ग्वालियर में बच्चों को वायरल लगातार बढ़ रहा है। जयारोग्य अस्पताल में वायरल फीवर पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जयारोग्य में वायरल फीवर से पीड़ित कुल 30 बच्चे भर्ती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस बार के वायरल में यूपी के वायरल एनकेफेलाइटिस से मिलते जुलते लक्षण सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब गंभीर बीमार बच्चों के सैंपल वायरोलॉजिकल लैब भेजे जा रहे हैं। उधर डॉक्टरों ने बच्चों की सेहत को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार बच्चों में वायरल फीवर पिछले सालों से अलग तरह का है। इस बार वायरल पीड़ित बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के साथ पोस्ट कोविड जैसे लक्षण आ रहे हैं। बच्चों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, आंखें लाल होना, शरीर पर लाल चिकटे, उल्टी दस्त जैसे लक्षण है। ऐसे लक्षण हो तो एहतियात बरतने के साथ बच्चों को डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, मौसम में जिस तरह से बदलाव हुआ है उसके बाद हमारे देखने में आ रहा है कि एकदम से केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें खास लक्षणों के तौर पे बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त, शरीर पे लाल लाल दाने हो जाना, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो जाना, मसल्स में दर्द हो जाना, एकदम से इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं। और ये पिछले करीब करीब 15 दिन से इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन केसेस को अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इनमें से कुछ कुछ केसेस जो है डेंगू के निकल के आ जाते हैं और कुछ केसेस पोस्ट कोविड MIS के भी निकल के आ जाते हैं। जो पहले संभावना जता रहे थे कि बच्चों में कोविड का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, उसके केसेस भी मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जब आप टेस्ट कराओगे तो CRP बहुत हाई आ रहा है, इंटरल्यूकिन 6 भी बढ़ के आ रहा है, D-dimer भी बढ़ के आ रहा है। परंतु अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे माइल्ड कैटेगरी में ही हैं अभी भी, और वो सब रिकवर हो जा रहे हैं आराम से, भर्ती कराने की नौबत नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तभी भी अभी तक 100% रिकवरी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यूपी से मिलता जुलता फीवर मैं इसको नहीं कहूँगा। इस मौसम में, या कहें मौसम जब भी परिवर्तनशील होता है, जैसे अपने हो रहा है, कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, एकदम से उमस होती है, एकदम इस मौसम में वायरस हमेशा एक्टिव होता है। हर साल इस तरह के केसेस हर बार बढ़ते थे, हर सीजन में बढ़ते हैं। तो यूपी वाले केसेस में क्या खास हो रहा है, यूपी वाले केसेस में वो ब्रेन पे अटैक कर रहा है। अपने यहाँ ग्वालियर में अभी तक इस तरह के मामले बहुत एकाधी मिले होंगे, और इस तरह के स्कैटर्ड एकाध मामले एनकेफेलाइटिस के साल भर आते रहते हैं, वो भी कोई नई बात नहीं है कि नहीं हुआ। मैं इनको यही कहूँगा कि ये सीजनल वायरल है, परंतु सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी सीजनल वायरल में पोस्ट कोविड MIS भी मिक्सअप होके आ रहा है। पेट दर्द 10 दिन हो गया, मैं भिंड से लिया है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।